हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सुभाष एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे टॉपिक है थ्री पिन प्लग पॉइंट टॉप में क्यों प्लास्टिक टॉप हारा है, मतलब इंसुलेशन करके क्यों हारा है, इसका बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया थ्री पिन प्लग पॉइंट में टॉप में जो पॉइंट है वो अर्थ के लिए काम करता है। अभी ऐसा इंसुलेशन करके प्लास्टिक टॉप क्यों हारा है इसका बारे में देखते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ रहा है, नया नया इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजीज वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल्स है वो पूरा डबल इंसुलेशन करके आ रहा है, डबल कोटिंग से आ रहा है। इसका वजह से अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल लीकेज का बिल्कुल चांसेस है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा ही नहीं, इसलिए ये पॉइंट का एकदम वो लोग इंसुलेट कर दिया प्लास्टिक से। ठीक है, प्लास्टिक से इंसुलेट करने का इसका ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसके साथ क्यों बेचता है, ये निकाल सकते हैं ना, बट क्यों नहीं वो लोग नहीं निकलता है। मतलब इसका कारण है, हमारे सॉकेट्स दो टाइप होते हैं। एक टाइप ऑफ सॉकेट है ओपन टाइप ऑफ सॉकेट रहता है, मतलब जो भी प्लग है सीधे घुस सकते हैं। बट दूसरा टाइप ऑफ सॉकेट में क्या होता है, अंदर एक कवर रहता है, वो कवर में मतलब वो कवर भी क्यों दिया हुआ, मतलब छोटे बच्चे लोग उसका उसमें कुछ कंडक्टर कुछ डालने नहीं चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक अननेसेसरी छोटे बच्चों लोग का नहीं लगना ही करके वो जो कवर अंदर दे रखा है वो कवर खुलना है तो ये टॉप चाहिए। इसलिए ये टॉप पहले घुसा वक्त में ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर का टावर खुल के फेस न्यूट्रल अंदर जाने का देता है, सिर्फ वो कवर खुलने के लिए ये प्लास्टिक टॉप दिया हुआ है बस, और कुछ कारण है ही नहीं, इसका स्पेशल कारण है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, मैं आप लोग से साइन अप कर रहा हूँ। बाय।